एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा एक कम्युनिटी के आर्ट सेंटर के उद्घाटन पर पहुंची हुई थीं। इस इनॉग्रेशन पर उन्होंने ब्लैक कलर का लिबास पहन रखा था और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थीं। ऋचा चड्ढा यहां पर आईं, उन्होंने दीप प्रज्वलन किया, वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की, उसके बाद इस आर्ट सेंटर का इनॉग्रेशन किया और फिर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हमसे शेयर की, आप भी सुन लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ आके, मेरे लिए ये एक गर्व और सम्मान की बात है कि अब हमारा देश भी उन देशों की लिस्ट में आ चुका है जहाँ गे राइट्स को, लव इज़ लव को एक्सेप्ट किया गया है। अब और आगे लंबी, बहुत हमारी यात्रा आगे बहुत लंबी है, इसमें कई तरह की चीज़ें आएंगी। आई एम श्योर कि यहाँ लोग ऑलरेडी लिस्ट बना के उन पर लड़ने के लिए तैयार हैं, और ये जो एक जो जेंडर और सेक्सुअलिटी का जो डिस्कशन है इस देश में अभी भी बहुत एक उसमें बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी फालतू की बातें हमें बताई जाती हैं बचपन में, कई बार हमारे लीडर बोल देते हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये क्लिनिक खुला, अब लोग बिना डर के, बिना स्टिग्मा के यहाँ आके अपनी हर चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। एक ऐसी एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है जिसमें दे डोंट फील जज्ड, जो सबसे बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है व्हेन यू आर माइनॉरिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटी, जेंडर माइनॉरिटी, यू फील जज्ड, यू आर ऑलवेज अफ्रेड कि मुझे बुली किया जाएगा, मेरे बारे में समाज में ऐसी धारणा होगी, या मुझे मकान नहीं मिलेगा रेंट पे। द प्रॉब्लम्स आर वेरी रियल, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम जस्ट सो ओवरवेल्म्ड टू सी द लवली वर्क दिस स्टेलर वुमेन हैव डन फॉर सो मेनी इयर्स। दिस इज फैंटास्टिक ऑल ऑफ यू, इट्स रियली इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल वर्क। वो भी ऐसे देश में जहाँ कितनी सारी धारणाएँ हमें आए दिन हमें सुनने में मिलती है, बिल्कुल अपहिल टास्क है, और यहाँ तक आ गए हैं, इससे भी बहुत आगे जाएंगे, मुझे पूरी। वेल, ऋचा चड्ढा इन दिनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हैं और साथ ही साथ जब भी कोई सामाजिक कार्य करती हैं तो वो कवरेज हम जरूर करते हैं।